गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, शुभोदय बच्चों। मेरा नाम पद्मा भार्गवी है। सो माय नेम इज पद्मा भार्गवी। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मेरी मेन भाषा हिंदी है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। तो मेरी पढ़ाई जमशेदपुर में हुई। वहाँ मैंने ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने अपना कॉमर्स ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया। वहाँ मेरी ट्रेनिंग भी हुई और टीचिंग दोनों हुई, जहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं बहुत से वेरियस कॉरपोरेट स्कूल्स में मैंने पढ़ाया, हिंदी और इंग्लिश भी। और हिंदी मेरा शौक है तो इसीलिए मैं हिंदी ऑप्ट करना चाहती हूँ। और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग जो दे आर वेरी रिसेप्टिव, तो उन लोगों का इंटरेक्टिव सेशन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ एक्चुअली हिंदी। तो इसीलिए उसके बाद फिर मेन वो भी है, और दूसरी बात ये कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है तो अच्छा लगता है पढ़ाना मुझे। और वहाँ पे अब मैं थोड़ा एक जस्ट एग्जाम्पल देना चाहती हूँ सब्जेक्ट के बारे। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ना, तो वैसे हिंदी में भी उसको वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला एक वर्ड नहीं है, उसमें बहुत सारे लेटर्स आते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो 13 है वॉवल्स कहलाते हैं, उसको हिंदी में स्वर बोलते हैं, अ टू अह। उसके बाद आते हैं व्यंजन, वो 33 होते हैं, 33, उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षर क्या है, उसको जॉइंट लेटर्स बोलते हैं। जॉइंट लेटर्स इन द सेंस, जैसे कि क्ष त्र ज्ञ, तो क्ष जो है ना, क और श का मिला रूप को क्ष बनता है, इसीलिए जॉइंट लेटर कहलाता है। तो इस तरह से ये पूरा मिलके वर्णमाला बनता है। और जब वर्णमाला में एक एक अक्षर लगते हैं तो वो शब्द बनते हैं, और जब शब्दों का बनते हैं तो वो वाक्य बनते हैं, और वाक्य के बाद वो अनुच्छेद बनते हैं, और इस तरह से हिंदी का हिंदी की प्रगति होती है। तो ओके बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।